आज द जॉन एंकरबर्ग शो में हम जवाब देंगे उन्हें जिन्होंने विज्ञान के कारण अपना मसीह विश्वास छोड़ दिया है। कहीं न कहीं उन्होंने माना कि सृष्टि के बारे में बाइबल की घटना आज के आधुनिक विज्ञान के साथ में मेल नहीं खाती है। लेकिन इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे कि हाल ही के वैज्ञानिक सबूत आपको सच में प्रभु पर विश्वास करने में लेकर आएंगे। आगे हम इस सवाल का जवाब देंगे, क्या हम अपेक्षा करें कि सहमति पाए सृष्टि के लेख में और वचन के लेख में? अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ही लेखक है। यानी जब हम देखते हैं एक बिल्डिंग जो एक आर्किटेक्ट ने बनाई है और दूसरी बिल्डिंग जो उसी आर्किटेक्ट ने बनाई है, तो कहते हैं ये फ्रैंक लॉयड राइट की बिल्डिंग है। और जब हम इस संसार को देखते हैं जो परमेश्वर ने बनाई है, ये उसने बनाई है, ये मेड इन USA नहीं है, लेकिन जीवित परमेश्वर ने बनाया है। और जब हम वचनों को देखते हैं, वो भी परमेश्वर से आया है, जबकि लेखक तो एक ही है जो अनुवादक दोनों को देखते हैं। शायद अनुवाद सहमत ना हो, लेकिन सबूत नहीं। और रो डेटा भी नहीं होता, रो डेटा तो उसी प्रभु की ओर से आता है। नहीं तो फिर यदि हम सृष्टि के सिद्धांत को दूर कर दें, यदि हम प्रेरणा को दूर कर दें जो कि पूरा परमेश्वर का अद्भुत वचन है, हम इन दोनों को नहीं देख सकते हैं। ये तो जीवित परमेश्वर की ओर से आता है। आज मेरे मेहमान हैं एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर ह्यू रॉस, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में PhD पाई है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया है कैल्टेक अल्क्वेजर से। इन्होंने बहुत सी किताब लिखी है और इनकी नई किताब है नेविगेटिंग जेनेसिस। साथ ही हम हिब्रू विद्वान डॉक्टर वाल्टर काइजर से भी सुनेंगे। बहुत से लोग इन्हें संसार के बहुत ही ज्ञानी व्यक्तियों में से एक मानते हैं, पुराने नियम और हिब्रू भाषा में। हमारे साथ जुड़ जाए और देखे कि कैसे आधुनिक वैज्ञानिक बातें सृष्टि की बाइबल की घटना से मिलती है। उत्पत्ति 1 और 2 में इस विशेष प्रोग्राम द जॉन एंकरबर्ग शो में। आज के प्रोग्राम में स्वागत है। आज महान प्रोग्राम है। मेरे मेहमान हैं एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर ह्यू रॉस। और पिछले कुछ हफ्तों से हम आपको क्लिप्स दिखा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री मूवी से, नाम है जर्नी टुवर्ड क्रिएशन। ये बताता है कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की और फाइन ट्यून किया इस ब्रह्मांड को और जिस संसार में हम जी रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। आज हम देखेंगे वो जानकारी जो प्रभु ने हमें दी है इस बाइबल में, उत्पत्ति अध्याय 1 और उत्पत्ति अध्याय 2 में। और मैं शुरू करना चाहता हूँ बहुत ही विख्यात वाक्य से जो परमेश्वर ने हमें बाइबल में दिया है। ये कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और ये कुछ सरल शब्द हैं, ये चकित करने वाले हैं वैज्ञानिक जानकारी से। मैं एक क्लिप दिखाना चाहता हूं हमारे एक प्यारे दोस्त हैं हिब्रू विद्वान डॉक्टर वाल्टर काइजर की। ये बहुत ही विख्यात हैं और हमने इनसे पूछा था कि इन शब्दों का क्या अर्थ होता है जिसे सच में हिब्रू में अनुवाद किया गया है, और उन्होंने ये कहा, इसे देखते हैं। धन्यवाद जॉन, ये सच में पूरी शुरुआत के बारे में कहता है। और ये वचन है आदि में, ये बहुत बहुत पेचीदा था कि जो लोग वचन की सटीकता पर विश्वास करते हैं वो कहेंगे कि यहीं पर से ये सब शुरू हुआ था, और बाकी वचन आकाश और पृथ्वी ये तो सच में संसार के लिए बाइबल के शब्द हैं, जिसे कहते हैं हेन डायरिस। हेन एक, दिया द्वारा, दिस दो, यानी ये एक विचार दो शब्द द्वारा आता है। संसार जिसका अर्थ तो आकाश और पृथ्वी होता है, यानी सब कुछ तो शुरू में ही कर दिया गया है। और किसने किया? प्रभु ने। प्रभु ने सृष्टि की। 12 शब्दों का उपयोग किया गया है, 45 बार केवल परमेश्वर के लिए। इस विषय में दूसरे और भी शब्द हैं, बनाया या आकार दिया, ये इस तरह से कुछ, लेकिन कभी भी मनुष्य ने 12 शब्द का उपयोग नहीं किया, और इस तरह से कभी नहीं हुआ कोई भौतिक उपयोग अभी इससे संबंध में। यानी मैं सोचता हूं कि इसका संपूर्ण पूरी सटीक शुरुआत से है, और ये परमेश्वर द्वारा शुरू की गई है, और इसमें सारा संसार आता है। और फिर ये वचन में ये कहता है पृथ्वी के बारे में, लेकिन उत्पत्ति में हमेशा पहले बड़े विषय को लेते हैं, संसार, और अब बीच में फिर पृथ्वी पर आता है, और अब हम पृथ्वी इस विषय पर गौर करेंगे।
यानी देखिए, चाहे हम कितने भी पीछे चले जाएं, ये हमेशा आदि में ही है, और यही पर विश्वासियों को डट कर कहना होगा, हाँ आदि में, और ये बाइबल की बात है। अब यू डॉक्टर वॉल्टर काइजर ने जो कहा उसे सुनने के बाद उत्पत्ति एक एक के बारे में मुझे बताइए, एस्ट्रोनॉमी इसे सपोर्ट क्यों करती है और बहुत कुछ कहा जा सकता है इस बारे में। जी, वॉल्टर कैजर तो उसके बारे में कह रहे थे जिसे हम सृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, एक्स निहिलो, परमेश्वर ने संसार को शून्य में से बनाया है। उदाहरण के लिए सारे तत्व, जगह और समय, ये सब अस्तित्व में आए, और एस्ट्रोनॉमर ने खोज में पाया है कि सच में यही संसार की सही समझ है, यानी थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, द स्पेस टाइम थियोरम्स, ऑब्जर्वेशंस, ये सब हमें बताता है कि एक शुरुआत है और एक निश्चित समय है, ऐसी शुरुआत जिसमें केवल शुरुआत ही नहीं है लेकिन तत्व और ऊर्जा है, लेकिन जगह और समय भी इसी में है। इस जगह समय थ्योरम के कारण यहाँ तक कि नास्तिक फिजिसिस्ट भी ये मानते हैं कि रियलिटी का डिस्टिक अर्थ लगाना टाला नहीं जा सकता है। जी, प्रभु अस्तित्व में है और उसने अस्तित्व में लाया है। अब हमें बताइए, जब आपने पहली बार ये जानकारी देखनी शुरू की तो आप अविश्वासी थे, और एक समय आपने इस जानकारी को देखना शुरू किया और सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई ये विज्ञान का फोकस नहीं था, वो इस दृष्टिकोण के बारे में लड़ रहे थे और उन्हें इस विचार में उनकी इच्छा के विरुद्ध में लाया गया। आपने हमें कुछ सबूत दिए, लेकिन हमें इस बारे में बताइए कि इस बात के लिए उन्हें जबरदस्ती लाने की जरूरत क्या थी। जी, दो बातें हैं कि इन्होंने जाना कि संसार की एक जगह, समय और शुरुआत है, और इसका अर्थ है कि इसके पीछे कोई होगा जो जगह और समय से परे है, जिसने सब कुछ बनाया है, यानी ये बाइबल के परमेश्वर के बारे में बताता है जिसे कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो बात तो उन्हें परेशान करती है वो ये है कि समय का नाप तो बहुत छोटा है, जिसने संसार को केवल कुछ बिलियन साल पुराना बनाया है, और जो भी मनसा इस बायोलॉजिस्ट की थी, यदि ये केवल कुछ बिलियन साल की है और कोई स्वाभाविक अर्थ बताने वाला नहीं है जीवन के इतिहास की शुरुआत के बारे में। जी, मुझे अभी भी वो विवरण पसंद है कि तारों में ये क्षमता है कि 80 मिलियन साल के लिए जलते चले जाएं, जबकि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि संसार तो केवल 13.8 बिलियन साल पुराना है, यानी ये तो बहुत ही पेचीदा लाइन दिखती है। हमने अब तक पूरी तरह से जले हुए तारे नहीं देखे हैं। ये तारे जी, हम ऐसे तारे देखते हैं जो ईंधन के कारण जलते रहते हैं, लेकिन वो अभी भी ठंडे हो रहे हैं, जो हमें ये बताता है कि संसार उसकी तुलना में कम उम्र का है। अब हम उत्पत्ति एक को देखते हैं, जब आपने देखना शुरू किया कि कैसे बाइबल दिन शब्द का उपयोग करती है, अध्याय एक में आप जिस क्रिया से गए उस बारे में बताइए। जी देखिए, मैं चिंता करता था कि सच में इन दिनों का सच में क्या अर्थ है। जब मैंने पहली बार बाइबल उठाई थी और वहाँ ये शब्द उपयोग किया गया कि शाम हुई और सुबह हुई, तीसरा दिन, चौथा दिन, और इस तरह का निश्चित ढांचा कि ये इस तरह की भाषा में क्यों बता रहा है, और फिर जब मैं सातवें दिन पर आया तो जाना कि कोई शाम और सुबह नहीं थी, जैसे सातवां दिन अध्याय दो में बताया गया है। यानी ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये कहानी अध्याय दो वचन चार में खत्म होती है, तो हमें जानना होगा कि सातवें दिन के लिए कोई सुबह और शाम नहीं थी, और तब प्रभु ने विश्राम किया, और ये बताता है कि हम क्यों नहीं देखते हैं जीवन का विशेष होना इस मनुष्य के क्षेत्र में। प्रभु ने सृष्टि करना बंद कर दिया आदम और हव्वा को बनाने के बाद, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने विश्राम किया और स्वाभाविक क्रिया को देखा, लेकिन भूतकाल में हम बहुत से सबूत देखते हैं अलौकिक हस्तक्षेप के बारे में। देखिए हम क्या कर रहे हैं डॉक्टर काइजर, और आपके साथ में कुछ प्रोग्राम करने के बाद और ये सब डिबेट और दूसरे प्रोग्राम के बाद, कुछ पास्टर्स जो ये प्रोग्राम देख रहे थे उन्होंने पत्र लिखा, मैं चाहता हूं कि आप देखें। मैं शुरू करना चाहता हूं एक पास्टर के सवाल के साथ। हम यहां उत्पत्ति एक के असली अर्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी दिन शब्द का क्या अर्थ है, और हम कुछ किताब पढ़ चुके हैं डॉक्टर काइजर। मैं इस बात से दुखी हूं कि डॉक्टर काइजर ने इस तरह के कारणों को स्वीकार किया है जो वचन के विश्वास को कमजोर करता है। ये फिर से अर्थ बताना है और वचन को कमजोर करना है, ये किस कारण से ऐसा दिखता है कि बाइबल और उत्पत्ति का सिद्धांत किसी बात पर समानता में आ जाए, ये शर्म की बात है। अब आप इस तरह के लोगों को किस तरह प्रत्युत्तर देते हैं, जबकि आपने बार बार कहा आप कोशिश कर रहे हैं कि सच्चे अर्थ को बताएं, इस वचन का अर्थ बताएं विज्ञान से हटकर। इसे फिर से बताइए, इस पास्टर से बात कीजिए।
खैर धन्यवाद जॉन और धन्यवाद पास्टर कि आप मेरी परवाह करते हैं सबसे पहले, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल के कारण मैंने इसे किया है। मैं केवल वही समझने की कोशिश कर रहा हूं जो वचन कहता है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मैं अपने प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं सुनना चाहता हूं कि वो इन लोगों द्वारा क्या कहना चाहता है। आप नहीं जानते हैं कि मैंने कितनी शक्ति लगा दी कि लेखक के विचार को सही तरह से बता सकूं। केवल ही इसका केंद्र है, यानी जब वो दिन शब्द का उपयोग करता है तो मुझे सच में सावधानी से कहना होगा, ठीक है, क्या लेखक मुझे इसके बारे में कुछ भीतरी सत्य देता है। वो इसके बारे में कुछ बताते हैं, इसीलिए जी हाँ 1:5 ये कहता है कि दिन की ज्योति थी और अंधकार को उसने रात कहा, और फिर 1:14 में उसने कहा कि बड़ी ज्योति जो साल और दिन के लिए चिन्ह हो, फिर दिन यानी ये समय है जो कि अब 24 घंटे का दिन है, फिर वो सारी बातों का सारांश बताता है। वो कहता है कि जब उसने ये सब किया या जिस दिन उसने ये सब कुछ किया, वो उसने पहले 6 दिन में किया और अंत में परमेश्वर ने विश्राम किया। यानी कोई दूसरा अर्थ बताना नहीं है। मैं सोचता हूं कि ये गलत विचार होगा, मैं सोचता हूं कि ये गलत है, मैं इसका अर्थ बताना नहीं चाहता और ना ही कहूंगा कि ये मेरा अर्थ है, कि कहूं ना कहूं दिन तो दिन है। मैं जानता हूं कि ये दिन है और कहूं कि दिन के बारे में मेरा विचार तो ये है, नहीं, वहां पर लेखक के विचार का दिन होना चाहिए। एक और जगह है जहां आपने कहा मूसा ने इस उपमा का उपयोग किया कि एक दिन प्रभु के लिए 1,000 साल के बराबर है, ठीक है। खैर कुछ लोग कहेंगे ये नहीं कहता कि एक दिन 1,000 साल है। जी ये सच है, ये इस तरह नहीं कहता कि ये एक समान है, लेकिन मेरी बात तो ये है कि इस साल्टर में भजन की किताब में जो हेडिंग है 150 भजन में से आधे के लिए, ये तो असली वचन के शुरू के समय जैसी ही है। ये ग्रीक अनुवाद में ऐसा दिखता है। 3rd century BC में वचन के कुछ भाग का अनुवाद हुआ है। हम अब भी कुछ अनुवाद नहीं कर पाए क्योंकि ये बहुत शुरू का है। यानी भजन 90 ही एकमात्र भजन है जो मूसा के बारे में बताता है और यहाँ वो दिन शब्द का उपयोग करता है। वो कहता है कि ये तो जैसे 1,000 साल के बराबर का हो, ये नहीं कहता कि वो 1,000 साल है, शायद उससे भी ज्यादा हो, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये काफी है। देखिए ये तो वो लेखक है जिसने प्रभु की सलाह में रहते हुए ये लिखा है, यानी कोई नया अनुवाद नहीं दिया गया। पास्टर मैं वचन को थामे रहना चाहता हूं जो वो कहता है, क्योंकि केवल यही मेरा क्लू है कि प्रभु क्या कहता है। अभी मैं चाहता हूं कि आप आगे बताएं जिसके बारे में डॉक्टर काइजर कह रहे थे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ में यहां कुछ समय तक बने रहे। पिछले प्रोग्राम में हमने कहा था कि इंग्लिशमैन हिब्रू कॉन्फिडेंस में यदि आप देखेंगे यहां 58 अलग अलग तरीके हैं जहां पर बाइबल याम शब्द का उपयोग करती है। इसमें एक शब्द के लिए अलग अलग अर्थ क्यों दिए गए हैं, इसका संबंध तो शब्दों की संख्या से है जो उपलब्ध है हिब्रू भाषा में। उदाहरण के लिए हिब्रू भाषा में केवल 8,700 शब्द हैं, जबकि हमारी इंग्लिश भाषा में हमारे पास 5,00,000 से भी ज्यादा शब्द हैं जो हमारा अर्थ बताते हैं। इसलिए कुछ हिब्रू शब्द करते हैं डबल ड्यूटी, ट्रिपल ड्यूटी, और संदर्भ निश्चित करता है कि कैसे उसका अर्थ लगाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंस आपको 58 अलग तरीके बताता है याम शब्द के उपयोग के लिए। यानी चलिए मैं आपको जल्दी से 4 उदाहरण देता हूं। पुराने नियम में 8 बार याम शब्द का उम्र के रूप में उपयोग हुआ। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 18:11 कहता है कि अब्राहम और सारा बूढ़े हो गए, बहुत याम के हो चुके उम्र में, यानी बहुत उम्र के हो गए। या उत्पत्ति 47:28 कहता है याकूब की पूरी उम्र के बारे में बताता है। यहां याम याकूब के पूरे जीवन काल के बारे में बताता है। या 4 बार बाइबल याम शब्द का अर्थ बताती है या याम शब्द का उपयोग करती है हमेशा के लिए। उदाहरण के लिए व्यवस्था विवरण 5:29 प्रभु कहता है भला होता कि उनमें ये मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वो मेरा भय मानते हुए मेरी सारी आज्ञाओं पर चलते रहे। यहां सदैव शब्द जो है वो याम है। इसका अर्थ दिन के रूप में भी होता है या जीवन काल भी हुआ यहां व्यवस्था विवरण 5:29 में। तीसरा उदाहरण याम का अर्थ ऋतु भी होता है। यहोशू 24:7 कहता है कि तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे, तुम जंगल में रहे, याम यानी लंबा ऋतु, ये बहुत से महीनों के समय के बारे में बताता है, ऋतु के बारे में बताता है।
और 19 बार याम शब्द का अर्थ हमेशा हुआ है। उदाहरण के लिए भजन 23:6, ये महान उदाहरण जो कहता है, निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में याम वास करूंगा, यानी सर्वदा के लिए। यह अनंतकाल दर्शाता है। अब यूं ये चार उदाहरण हैं कि कैसे याम का उपयोग हुआ और ये कैसे अलग अर्थ देता है एक ही शब्द के लिए। और हमारी भाषा के टेक्स्ट में उत्पत्ति 1 में यहां 3 या 4 अर्थ है इसी वचन के लिए, जहां मूसा बार बार बताता है, इसके बारे में समझाइए। जी, आधी में पृथ्वी ग्रह पर गहरे पानी के ऊपर अंधियारा था। पहले दिन प्रभु अपारदर्शी से ज्योति आने वाला वातावरण बनाता है कि ज्योति आ सके। और ये वचन 5 में क्या कहता है, परमेश्वर ने ज्योति को दिन कहा। ये उस समय के बारे में बताता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय। और फिर सृष्टि के चौथे दिन प्रभु वातावरण को बदलता है, ज्योति आने वाले से हमेशा के लिए कुछ हद तक कई बार पारदर्शी होता है। और पहली बार पृथ्वी की सतह पर जानवर हुए और सूरज चांद और तारे बनाए गए। और यहाँ ये बताता है कि कैसे परमेश्वर ने उन सूरज चांद और तारों का उपयोग किया सबके लाभ के लिए, और ऋतु दिन और साल के लिए चिन्ह हुए। यहाँ दिन तो 24 घंटे की घटना के बारे में कह रहा है। और उत्पत्ति 2:4 में ये याम शब्द का उपयोग करता है, जिसका अर्थ दिन होता है, जो सृष्टि के सारे हफ्ते के बारे में बताता है। यानी अवश्य ही ये ऐसा शब्द है जिसका अर्थ लंबा समय होता है। और जैसे कैजर कह रहे थे कि हमें बाइबल के शब्दों को वैसा ही नहीं लेना चाहिए, हमें इसे वैसा ही और हमेशा के लिए लेना है। इनमें कौन सी परिभाषा पूरी बाइबल पढ़ने देती है बिना मतभेद के। और इसलिए वो और मैं ये दृष्टिकोण लेते हैं कि उत्पत्ति 1 में दिन तो बहुत लंबा समय होगा, और केवल एक यही तरीका है कि बाइबल का अपना मतभेद दूर किया जाए। एक और सवाल जो इसके तुरंत बाद आता है, जो बताया गया है, ये कहता है कि शाम हुई और फिर सुबह हुई, एक दिन हुआ। और मैंने डॉक्टर काइजर से पूछा कि हमें बताएं कि यह हिब्रू से कैसे अनुवाद किया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। यह कहता है कि जब भी याम शब्द का उपयोग हुआ शाम और सुबह के लिए, इसका अर्थ केवल एक साधारण दिन हो सकता है, कभी लंबा समय नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? जी, शाम और सुबह होना, पहले दिन की शाम होना तो दिलचस्प बात है। वो पहली शाम कहाँ से आई होगी? ये उस दिन से आई होती जो वहाँ पहले से ही था। यानी यहाँ ये कुछ गलत तरह से शुरू हुआ, फिर शाम हुई और सुबह हुई। यदि ये पूरे 24 घंटे बनाता है और कुछ भी हो इस तरह से, 3 सुबह और शाम, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और फिर चौथे दिन प्रभु दिन बताता है, यानी हम परेशानी देखते हैं। और फिर सातवें दिन जो बन रहा है, इब्रानियों 4 कहता है कि परमेश्वर ने सृष्टि के काम से विश्राम किया। और वो इब्रानियों 4 में कहता है सैबतिस्मोस, यानी सैबत, ये ग्रीक शब्द है, मुख्य शब्द सैबत, जब प्रभु रुकता है और वो रखता है एक निष्कर्ष। दूसरे ग्रीक शब्द है कैटापौसिस, वो वहीं रुकता है। और बाइबल के संदर्भ में 3 जगह पर रुकना शब्द है, सृष्टि के समय में जो सृष्टि और प्रयोजन के बीच की बात है, परमेश्वर क्रूस पर रुक गया और कहा ये पूरा हुआ, ये हो चुका है। और फिर प्रकाशित वाक्य की किताब में 1 और 2 बार प्रभु कहता है ये हो चुका है, और वो उन शब्दों के बीच चिन्ह लगाता है इतिहास में, सके काम में। और अंतकाल में दिन के 3 बड़े स्टॉप, और ये तो अभी भी चल रहा है, हम प्रवेश करें जैसे इब्रानियों 4 में कहता है, इस विश्राम में। और दिलचस्प बात तो ये है कि सातवें दिन में कोई शाम और सुबह होने की बात नहीं है। साथ ही यानी कम से कम 4-5 जगह पर मैं देखता हूं कि यह सच में 24 घंटे का दिन होने के बारे में बहस की जाती है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जब मैं ग्रेजुएट स्कूल में था, मैं अटेंड किया करता था डॉक्टर वाल्टर काइजर की शिक्षा, और जिस तरह से उस क्लिप में ये सुनाई देते हैं, ये उसी तरह से शिक्षा देते थे। आधा तो अजीब सा था, लेकिन आधा तो पूरी तरह बुद्धिमत्ता था। ये अद्भुत है। और बाइबल के बारे में इनकी पकड़ इतनी मजबूत है। और इस बात के बारे में कि शाम हुई और सुबह हुई, मैं चाहता था कि वो बताएं। लेकिन आप भी, चाहे उस समय आप अविश्वासी थे, आप बाइबल पढ़ने लगे और इसने द्वार खोला कि आप विश्वास करने लगे कि ये सत्य है,
ऐसा नहीं कि ये कुछ झूठा है। आपने इसे कैसे जाना? जी, मैंने देखा कि शब्द जो आकाश के लिए और पृथ्वी के लिए और दिन के लिए, अवश्य ही इनके लिए बहुत सी अलग अलग परिभाषा है, क्योंकि उत्पत्ति एक में अलग अलग संदर्भ है। तो ये मेरे लिए भी चकित करने वाली बात नहीं थी कि शाम और सुबह हुई। मैं सोचने लगा कि सच में इसका क्या अर्थ है। और फिर इस तरह कहता है कि दिन निश्चित हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, इस तरह पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिन हुआ। इसका कम से कम यही अर्थ है कि दिन की शुरुआत थी और दिन के लिए अंतिम पॉइंट था। फिर मैंने देखा कि सातवें दिन ये वाक्य नहीं है। साथ ही मैंने इस सच्चाई को देखा कि हम इन शब्दों में ये देखते हैं, शाम हुई और सुबह हुई, दो अलग शब्द क्यों, दो विषय क्यों बताए गए हैं। हमें इस सच्चाई की ओर लेकर जा रहा है कि कुछ खास और अद्भुत होगा, जैसे यहाँ पर दिन के बारे में बताया जा रहा है। और उस कारण से जाना ठीक है, सातवें दिन में शाम और सुबह की कमी, इसका यही अर्थ है कि हम अभी भी सातवें दिन में हैं। जैसे आपने कैजर को कहते सुना कि बाइबल में बहुत से वचन हैं जो हमें बताते हैं कि हम अभी भी सातवें दिन में हैं। प्रभु फिर से भविष्य में बनाएगा और नई सृष्टि बनाएगा, लेकिन अभी भी वो अपनी सृष्टि के काम को जारी नहीं रख रहा है। और ये मुझे वैज्ञानिक के रूप में रोमांचित करता है, क्योंकि अब मानो हम परमेश्वर को परख रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमें बता रहा है कि वो इस समय काम नहीं कर रहा है सृष्टि के संबंध में। यानी विज्ञान में हम सामान्य क्रिया देखते हैं मनुष्य के युग में, लेकिन मनुष्य के युग के पहले हम अपेक्षा करते हैं कि अलौकिक हस्तक्षेप के बहुत से उदाहरण देखेंगे। फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर होने के नाते हम देखते हैं बहुत बड़ा फर्क है जो कुछ मनुष्य जाति के पहले हुआ और मनुष्य जाति के बाद में जो होगा। और वो मेरे लिए सामर्थी सबूत है कि बाइबल का परमेश्वर ही सच में सबका सृष्टि करता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इन जानकारी को सुनते हुए आपने आनंद उठाया और अगले हफ्ते में से आगे देखेंगे। आप इस जानकारी को चूकना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि छठे दिन वहां क्या हुआ था। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, वहां कम से कम 8 से 10 घटनाएं हुई जो हुई थी उस छठे दिन में, और हम इसमें एक एक को देखेंगे। और फिर हम आपसे पूछेंगे कि क्या इन घटनाओं में से कोई भी 24 घंटे के समय में हो सकती है, या ये लंबे समय के बारे में कह रहा है। और साथ ही हम ये देखेंगे चौथे दिन के बारे में, क्या वो दिन था जब सच में प्रभु ने ये अस्तित्व में लाया, सूरज, चांद और तारे, या फिर बाइबल कुछ और ही कहती है। ये तो पहले वचन के बारे में देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम ये सब देखेंगे और इसके बारे में विंग्लिश क्या कहते हैं बताएंगे। और मैं सोचता हूं कि आप जानकारी का आनंद उठाएंगे और आशा है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अगले हफ्ते के प्रोग्राम के भाग देखने के लिए जरूर बने रहें। आज की सीरीज का नाम है स्टेप बाय स्टेप थ्रू क्रिएशन। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपने आज के प्रोग्राम का आनंद उठाया और फिर देखना चाहते हैं या हमारे दूसरे प्रोग्राम और विषय देखना चाहते हैं, तो हमारे फ्री जॉन एंकरबर्ग ऐप पर जाएं या हमारी वेबसाइट पर जाकर देखें jashow.org पर। आज की सीरीज का नाम है स्टेप बाय स्टेप थ्रू क्रिएशन। इन चार प्रोग्राम में एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर ह्यूज रॉस और मैं आपको एक एक वचन से बताएंगे उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 से, और आपको दिखाएंगे कि बाइबल की सृष्टि और उसका आज के वैज्ञानिक सबूत से कैसे मेल होता है। और फिर हमने डॉक्टर ह्यूज रॉस के साथ में दूसरी सीरीज टेप की है, नाम है साइंस हैज डिस्कवर द यूनिवर्स हैज बिगनिंग। इस सीरीज में इन सवालों का जवाब देते हैं, कैसे वैज्ञानिक सबूत से एस्ट्रोनॉमर बताते हैं कि सृष्टि की एक शुरुआत थी जिससे कि बाइबल कहती है, कौन से सबूत बताते हैं कि परमेश्वर ने संसार को बनाया है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर जी सके, कैसे परमेश्वर ने जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न को पृथ्वी के पास रखा कि उसकी रक्षा करे, और कैसे प्रभु ने सूरज, चांद और तारों को बनाया है केवल मनुष्य के लाभ के लिए ही। फिर से आप ये एपिसोड मुफ्त में देख सकते हैं हमारे द जॉन एंकरबर्ग शो ऐप पर, या आप हमारा एपिसोड डाउनलोड कर सकते हैं हर एपिसोड के लिए $5 की भेंट राशि देकर हमारी वेबसाइट से jashow.org पर से। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर के साथ में चलने में हम आपकी मदद कर सके। संभव है कि परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है और आप जानना चाहते हैं कि कैसे विश्वासी हो सकते हैं, या आप प्रार्थना करना चाहते हैं, यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता बनाना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करें और क्लिक करें प्रे टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर पर।
गुड बाय, प्रभु आशीष दे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खैर, नेचुरलिस्टिक एवोल्यूशन और थियोस्टिक एवोल्यूशन, जो शायद कहे कि संसार बिलियन साल का है, इस पृथ्वी पर जीवन 3.8 बिलियन साल से है, ये बहुत ही सरल रूप में शुरू हुआ और आगे बढ़कर ये ज़्यादा और ज़्यादा बेचिता होते गया। जो दृष्टिकोण हम दे रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर अलौकिक रूप में हस्तक्षेप करता है कि अगल तरह की ज्योति बनाए, जैसे आप इन 3.8 बिलियन साल में देखते हैं। ये स्वाभाविक क्रिया के द्वारा नहीं होता, यानी जीवन की शुरुआत और सारे अलग अलग प्राणी तो परमेश्वर के हाथों से बने हैं। जी, इस समय हमारे बहुत से सेमिनरीज में दुख से कहना पड़ता है कि साथ ही हमारे बहुत से चर्च में भी एक बढ़ाव है या चलन है, वो नास्तिकता का दृष्टिकोण है, सृष्टि और उत्पत्ति एक में। शायद हम आने वाले दिनों में कुछ और प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आकर्षण क्या है और वो सच में क्यों डरते हैं कि सच में आगे न बढ़े, इन सबूतों को देखते हुए। जी, समस्या यह है कि फॉसिल रिकॉर्ड दिखाता है कि ये मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स, जिसके बाद मास स्पीशिएशन इवेंट्स आया, और जब विश्वासी इसे देखते हैं तो कहते हैं कि यदि हम कहें कि परमेश्वर इन सब के पीछे हैं, तो ऐसे दिखता है कि परमेश्वर कोशिश करके गलती करते हुए कुछ बनाना चाहता है, या प्रभु नहीं जानता कि क्या कर रहा है, यह गड़बड़ाया प्रभु है। लेकिन वो एस्ट्रोफिजिक्स को लेना भूल जाते हैं जिसमें हम 3.8 बिलियन साल में जीवन को देखते हैं, जहां पृथ्वी बदलती जा रही है, सूरज बदल रहा है, चांद बदल रहा है, यानी अलग जीवन एक ही समय में चल रहे हैं, लेकिन ये अलग समय में नहीं है। और प्रभु सच में क्रम में उस ग्रह से जीवन दूर करता है और उसकी जगह पर जीवन का नया रूप रखता है, और ये सिद्ध रूप में उसके साथ चलते हैं, तो बदलाव हो रहे हैं इस सोलर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य इससे लाभ उठाएं कि प्रभु इतने समय तक पृथ्वी को भरते जा रहा है हमारे जरूरत के बायो डिपॉजिट से, कि पूरे संसार में मनुष्य का रहना बना रहे और बहुत समय तक रहे। यानी ये गड़बड़ाया प्रभु नहीं है, ये ऐसा प्रभु है जो पहले से जानता है कि सच में पृथ्वी पर कौन सा जीवन होना चाहिए और किस समय और कितनी तादाद में और कितनी विविधता में, कि सोलर सिस्टम के बदलने वाले फिजिक्स को ये पूरी तरह से योगदान दे। संभव है कि प्रभु आपसे बातें कर रहा है। यदि आप चाहते हैं कि कोई प्रार्थना करे या सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर फोन नंबर है, इसी समय इस पर फोन करें। इस नंबर पर फोन करें और कोई बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि अगले हफ्ते आप फिर से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। या आप प्रार्थना करना चाहते हैं, यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता बनाना चाहते हैं, यदि ऐसा है तो हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करें और क्लिक करें प्रे टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर पर।